Hello friends, welcome to Electrical and Electronic Tech. What is proximity sensor? A proximity sensor is an electronic sensor that can detect the presence of objects within its electromagnetic field or light or sound without any physical contact. Okay, proximity sensor मतलब क्या है? जो भी object है उसका सामने रहेगा, उसे magnetic field के अंदर नहीं, light sound के अंदर रहेगा, without physical contact वो sense करेगा, ठीक है? ये देखिए टाइप ऑफ प्रॉक्सिमिटी सेंसर, इंडक्टिव टाइप, कैपेसिटिव टाइप, फोटोइलेक्ट्रिक, अल्ट्रासोनिक. इंडक्टिव और कैपेसिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट फील्ड को डाइल्यूट करके उसी से सेंस करेगा. फोटोइलेक्ट्रिक लाइट को एमिट करके उसी से सेंस करेगा. अल्ट्रासोनिक साउंड से उसमें कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो सेंस करता है, ठीक है. अभी हम लोग देखेंगे ये इंडक्टिव सेंसर है, इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, ठीक है. इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, है ना. ब्राउन में आपको पॉजिटिव देना पड़ेगा, 12 to 24 डिस दे सकता है, और ब्लू नेगेटिव देना है, ठीक है. ब्लैक आपका आउटपुट है, ठीक है. वो आउटपुट ये है आपका रिले, कोई भी लोड रिले या पीएलसी मॉड्यूल में दे सकता है आप, ठीक है. यहाँ पे दे दिया है, उसका कनेक्शन डायग्राम मैं देखता हूँ. अभी प्रॉक्सिमिटी में क्या है, पीएनपी एनपीएन बोलता है, ठीक है. पीएनपी एनपीएन मतलब क्या है, ये देखिए यहाँ पे ब्राउन में दिखा है ना, ब्राउन में पॉजिटिव और ब्लू में नेगेटिव, ये सबने हमने 24 वोल्ट दे दिया, 24 दे दिया है, ठीक है. सो आउटपुट आएगा पॉजिटिव. ये रिले आपको ऑलरेडी नेगेटिव में कनेक्ट रहेगा एक तरफ, सिर्फ जैसे पॉजिटिव आ जाएगा आपको रिले ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है. मतलब आउटपुट मिल जाएगा जो भी हो. सो ए भी पॉजिटिव पी, ए भी पॉजिटिव पी, ए नेगेटिव एन, ओके. सो पी एन पी, ओके, पी एन दो इनपुट है, आउटपुट है. सो पी एन पी, पी एन पी हो गया. सो एन पी एन देखिएगा, एन पी एन में क्या है, आपको पॉजिटिव दिया है, नेगेटिव दिया, लेकिन आउटपुट आपको नेगेटिव है. पॉजिटिव हो गया कॉमन, ऑलरेडी रिले आपको पॉजिटिव कनेक्ट रहेगा, नेगेटिव जैसे जाएगा वो रिले ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है. सो नेगेटिव आउटपुट आएगा तो रिले ऑपरेट हो जाएगा. इसका मतलब क्या है, एन पी एन ना, एन पी एन, ओके, एन पी एन सेंसर है ये. इंडक्टिव में क्या है, सामने अंदर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहेगा, सामने कॉइल, इसी से आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा. ये मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी जितना रेंज है उतने के अंदर उसके अंदर में कोई भी मेटल पार्ट आएगा, मटेरियल, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जिस हिसाब से वो डिस्टर्ब करेगा तो ये सेंस करके आपको आउटपुट देगा, ठीक है. ये इसका प्रिंसिपल है, ठीक है. चलिए मैं प्रैक्टिकल देखता हूँ. अभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बगल में जो बेल बटन है उसको प्रेस करिएगा, मेरा सारा वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा. ये इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, पी एन पी है, ओके. चलिए इसका कनेक्शन देखता हूँ. ये देखिए ब्राउन कलर वायर आपका 24 प्लस में दिया हुआ है, और ब्लू है नेगेटिव में दिया है, अब ब्लैक आपका आउटपुट है. जो लेबल में दिखाया ना मैंने, वही कलर कोडिंग दिया हुआ है, ओके. चलिए अभी इसका वोल्टेज देखता हूँ. ये देखिए मेटल पीस सामने आ रहा है तो आपका आउटपुट निकल रहा है, 24 वोल्ट आउटपुट आ रहा है आपका. ये पॉजिटिव 24 वोल्ट आपका ब्लैक वायर में आएगा, क्योंकि ये पीएनपी प्रॉक्सिमिटी सेंसर है ना. हटा दिया 0 वोल्ट है, अभी लगा दिया 24 वोल्ट. इस हिसाब से आपको रिले ऑपरेट कर सकता है, ऑन ऑफ कर सकता है, आप पीएलसी इनपुट भी दे सकता है. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू.